राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपमान किया है लाखों हिंदुओं का। करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं और राहुल को माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं से माफी मांगे राहुल गांधी, गृह मंत्री ने कहा। और राहुल ने मोदी पर भी व्यक्तिगत हमला किया है। गृह मंत्री ने कहा कि जहां एक तरफ तमाम हिंदुओं को हिंसक कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से, उन्हें माफी इस पर मांगनी चाहिए। हिंदुओं से माफी मांगे राहुल गांधी, राहुल ने मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया, ये भी कहते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने संसद में हिंदुओं का अपमान किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी वाले हिंदू हिंसक, ये कहा था राहुल गांधी ने, जिस पर अब राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं का अपमान किया, अब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, गृहमंत्री ने कहा। और जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, उसके बाद से उन पर न सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, माफी मांगने की बात भी जो मांग है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। नेता विपक्ष के तौर पर आज राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्हें और एक और अहम जानकारी आपको देते हैं। लोकसभा में अपने बयान पर राहुल गांधी अब घिर गए हैं। सरकार ने बयानों के सत्यापन की मांग कर दी है। राहुल ने सदन में गलत बयान दिए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और इसी के साथ राहुल के बयानों की जांच होनी चाहिए, यह भी अमित शाह ने मुद्दा उठाया है। माननीय विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की है। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले।